डायरी पेन लेकर अगर इसको राइटिंग करना प्रारंभ कर दें, इसको लिखना प्रारंभ कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन पर बताया जाएगा वो अगर आप ड्राइंग करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे। तो अपने आप को व्यवस्थित कर लें, और कहीं डिस्टरबेंस है तो वहाँ से दूर जाकर शांतिपूर्वक स्थान पर आप बैठकर पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। तो साथियों यहाँ पर बात करते हैं फोर्स आज क्यों करना चाहिए, फोर्स आज की यूएसपी क्या है, फोर्स आज सबसे अलग क्यों है। तो साथियों इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, फोर्स आज काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार अगर ब्लॉकचेन के ऊपर बनता है तो उसकी कुछ यूएसपीज होती हैं। वो क्या होती हैं साथियों, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर, इसको बनाने वाला जरूर है परंतु ये कोई कंपनी नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा साथियों, ये कोई ना ही तो स्कीम है और ना ही कोई स्कैम है। साथियों ये क्या है, यहाँ पर अगर हम फोर्स आज की बात करें तो यहाँ पर एमडी, सीएमडी और बैक ऑफिस नहीं है। क्यों नहीं है साथियों, क्योंकि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करता है। फोर्स आज के अंदर प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें, फिजिकल प्रोडक्ट आपके आपके सामने कुछ भी नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट है हमारे सामने क्रिप्टो करेंसी। हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो उसका डेमो करने की भी आपको कहीं आवश्यकता नहीं है। अब बात करें साथियों अपनी आमदनी की, तो वो इनकम आती है हमें पीयर टू पीयर सिस्टम के माध्यम से, पी टू पी के माध्यम से। विदिन सेकंड प्लग झपकते ही आपको आपके वॉलेट में आपकी मेहनताना आपकी आमदनी आपको आ जाती है पीयर टू पीयर सिस्टम के माध्यम से। क्योंकि कंपनी नहीं है, बैक ऑफिस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो अकाउंट भी नहीं है साथियों, अकाउंट भी नहीं होता है यहाँ पर। वॉलेट टू वॉलेट ये पूरा बिजनेस रन करता है और सदियों से चला आ रहा है, और आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पर आपको मिलेगी। कैपिंग सीलिंग क्लोजिंग भी नहीं है। कैपिंग सीलिंग यानी कि आप यहाँ पर अपनी चाहतों के हिसाब से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके सपने क्या है। क्लोजिंग नहीं है, जितना चाहे उतना कमाए, बिजनेस सेकंड कमाए। टीडीएस और एडमिन चार्ज नहीं है यहाँ पर फोर्स आज, क्योंकि वॉलेट टू वॉलेट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है, तो एडमिन और टीडीएस भी नहीं होता है यहाँ पर। और बात करें साथियों बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे, सुने होंगे, किए भी होंगे, वहां पर प्रोजेक्ट में होता क्या है, कुछ एक समय आता है, उस समय पर या साजिश बस या कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, सिस्टम अपडेट पे चला जाता है, और इतने लंबे बहुत सारे प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं मैंने देखे हैं एक एक महीने तक अपडेट पे चले जाते हैं। यानी कि लेने वाली प्रक्रिया जो है, हमसे लेने वाली प्रक्रिया है वो लाइव रहती है, पर देने वाली प्रक्रिया मेंटेनेंस के रूप में डाल दी जाती है। इस कंडीशन में होता क्या है, आप और मैं सपने देखकर एक चैनल के माध्यम से, एक टीम के माध्यम से बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर रहे हैं, परंतु एप्लीकेशन या वेबसाइट है उसको मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया जाता है, वहां पर आपका और हम सबका नुकसान होता है। और बड़ी बात साथियों, मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट किसी एमडी सीएमडी के होते हैं, तो वो उस सिस्टम को, उस प्लान को, उस प्रोजेक्ट को कभी भी अपने अनुसार कभी भी बदल सकता है, कभी भी आपकी आमदनी को रोक सकता है, संभव है। परंतु ब्लॉकचेन के ऊपर कोई सिस्टम, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर रन किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, साथियों दुनिया की अभेद अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी पे आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है फोर्स आज, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब बहुत सारे प्रोजेक्टों की बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर पीबीबीबी, सीसी, एसपी, आरबी, ये कुछ भूल भुलैया होती है जो कि हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि व्यापारिक स्तर जो हम देखते हैं, हमने पैसा दिया, हमने सामान लिया, यही व्यापार हमने बचपन से देखा है, परंतु ये पीबीबीबी, सीसी, एसपी, आरबी, ये क्या, भूल भुलैया। पर साथियों यहाँ पर फोर्स आज में जो आपको इनकम आती है वो आती है 100%, नो पीबी, नो बीबी, नो सीसी, नो एसपी, नो आरबी, 100% इनकम आपको विद इन अ सेकंड पलक झपकते ही आ जाती है। और फोर्स आज का एक जबरदस्त फीचर है साथियों, हम जिस भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं वहां पे हमें यही बताया जाता है कि हम टीम बनाएंगे, डाउनलाइन बनाएंगे, उससे इनकम आएगी। पर फोर्स आज में कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है
कि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन यहाँ पर कर रहे हैं उनके काम करने से, यानी कि वो अपने लिए टीम बना रहे हैं, तो वो आपके लिए कहलाएगी क्रॉस लेग। क्रॉस लेग से भी इनकम जनरेट होने की संभावना फोर्स आज की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। तो साथियों, ये कुछ फोर्स आज की अच्छाइयां, फोर्स आज की यूएसपी थी। और बात करें साथियों, लोग एक्स्ट्रा इनकम क्यों करते हैं या लोग काम क्यों करते हैं। हर एक व्यक्ति के काम करने के पीछे की कुछ मुख्य वजह होती है। अगर वो वजह नहीं हो तो व्यक्ति सुबह आराम से उठे ही ना, सोते ही रहे। वो वजह क्या होती है साथियों? एक्स्ट्रा इनकम या अपनी आमदनी को बढ़ाना। हर एक व्यक्ति की चाहत होती है पैसिव इनकम, या बात करें साथियों, हर एक व्यक्ति की चाहत होती है पैसे के रूप से स्वतंत्रता। हमारे पास में उतना पैसा हो कि हम अपने परिवार की संपूर्ण जरूरतों को पूरा कर सकें। क्वालिटी लाइफ की हर एक व्यक्ति की चाहत होती है मेरे साथियों। हर एक व्यक्ति क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है। अनलिमिटेड इनकम, किसी से पूछेंगे पैसे से एलर्जी है, कोई नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा पैसे से एलर्जी वाला, कोई भी नहीं मिलेगा। यानी कि हर एक व्यक्ति अपनी आमदनी को प्रतिदिन बढ़ाने के लिए काम करता है, अनलिमिटेड इनकम। परंतु साथियों, जो पिछला लॉकडाउन का दौर हमारे बीच में जो निकल के गया है, उस लॉकडाउन के दौर में हमें बहुत कुछ सिखाया है कि जिनका बिजनेस इंटरनेट आधारित था वो लोगों के पास में इनकम जनरेट हो रही थी, और जिनका बिजनेस इंटरनेट पर आधारित नहीं था साथियों, उनका स्थिति आपने खुद प्रत्यक्ष देखा होगा, न्यूज में देखा होगा। तो साथियों, उस जो कोरोना का पिछला जो लॉकडाउन का दौर गया है, उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, बहुत सारे औद्योगिक संस्थान बंद हुए हैं, ऑफिस बंद हुए हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार बेघर हुए हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में भी नहीं रहे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये साथियों अपॉर्चुनिटी हमारे पास में सीमित है। अपॉर्चुनिटी कम है, बढ़ रही है आबादी, बढ़ रही है महंगाई, बढ़ रही है, मतलब एक देखा जाए तो नहीं बढ़ रही है तो क्या बढ़, नहीं, हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है। तो साथियों, अपॉर्चुनिटी कम है, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने से गुजर रही है फोर्स आज के रूप में, जिसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अंत तक, लास्ट तक बने रहना है आपको, पूर्ण रूप से जानकारी लेकर आप जाइएगा। अब बात करें साथियों, समय के अनुसार प्रकृति में भी बदलाव हुए हैं, और जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं बदला है उसको समय ने खुद ही बदल दिया है। आज हम बात करें, प्रकृति का नियम है बदलाव, तो मानव सभ्यता ने किस प्रकार से बदलाव लिया है आपके सामने पिक्चराइज करके दिखाया गया यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम बात करें धन के विकास की या व्यापारिक स्तर की बात करें, किस प्रकार से बदलाव होते हुए चले हैं साथियों, किस प्रकार से धन ने विकास किया है। तो साथियों, सबसे पहले लेन देन करने का जरिया होता था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान करके हम व्यापार कर लिया करते थे, हमारे बुजुर्ग व्यापार कर लिया करते थे। फिर समय बदला, राजा महाराजों का दौर, चमड़े के सिक्के से होते हुए गोल्ड क्वाइन से होते हुए मेटल क्वाइन से होते हुए पेपर मनी से होते हुए प्लास्टिक मनी से होते हुए इलेक्ट्रॉनिक मनी से होते हुए क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंच गए। अब साथियों, ये सभी दौर हमने देखा है, जिया है। सन 2009 में दौर आया क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी के द्वारा डिजाइन की गई ब्लॉकचेन के ऊपर एक विधा है, एक टेक्नोलॉजी है। साथियों, सन 2009 में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था बिटकॉइन। 6 रुपए का क्वाइन आज 50 लाख को क्रॉस करके मार्केट में रन कर रहा है। यानी कि जिस व्यक्ति के सामने सन 2009 में 10 में बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी है ये आई थी और उन्हें स्वीकार कर लिया था और सहेज के आज तक रखा होता, साथियों 6 रुपए 50 लाख में परिवर्तन हो चुका है। तो साथियों, क्रिप्टो करेंसी क्या है इसको जानते हैं। जैसे साथियों, अभी लॉकडाउन का दौर और नोटबंदी का दौर हमने बहुत बड़ी बात ही देखा है, चर्चित विषय है। जिस समय नोटबंदी का दौर आया था, उस समय हमारी मुद्रा एक महज पेपर बन के रह गई, पेपर बन के रह गई, यानी उसको जलाया जा सकता। परंतु साथियों, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली। वैल्यू की बात करें, समान रूप से प्रत्येक कंट्री में इसकी समान वैल्यू होती है। हम अपनी करेंसी की बात करें
भारतीय मुद्रा की बात करें, हिंदुस्तान में उसकी वैल्यू है और अदर कंट्री के मुकाबले देखा जाए तो उसकी कुछ और वैल्यू है। और आज भारतीय मुद्रा हमारे पास में है तो साथियों रिस्क, क्योंकि बहुत सारे हमें पैसे ले जाने में वो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु डिजिट के रूप में रहने वाली ये मुद्रा दिन ब दिन बढ़ते क्रम में है और डिमांड और सप्लाई के रूल को फॉलो करते हुए इसकी बहुत तेजी से ग्रोथ होती चली जा रही है। साथियों दुनिया में एटीएम से खरीदी बेची जा रही है, क्रिप्टो करेंसी बदलते हुए स्वरूप, समय बदल रहा है तो स्वरूप भी बदल रहा है। बिटकॉइन की तरह होगी भारत की अपनी डिजिटल करेंसी। आने वाले समय में हमें इसको, अभी अगर हम स्वीकार करते हैं डिजिटल करेंसी को तो ठीक ठाक, नहीं तो आने वाले समय में गवर्नमेंट अपनी डिजाइन करेगी क्रिप्टो करेंसी तो हमें मजबूरन स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे साथियों बात करें, साथियों ये एक ऐसा युग है, आपने फेसबुक के अंदर देखा होगा मेटा के नाम से, यानी कि अगर हम एडवांस नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, तो ये एक और भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ चुकी है मेटा के रूप में, जहां पे कि आप लेन देन और चीजों को विजुलाइज कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बात करें मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी के क्षेत्र में नंबर वन कंपनी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट सेकंड नंबर की, और साथियों गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, कुछ भी आपको चाहिए सब मिलता है। दुनिया के विजनरी पर्सन या धनी व्यक्तियों की लिस्ट में आने वाले व्यक्ति एलन मस्क को भी आप सब लोग जानते होंगे। साथियों अगर ये विजनरी पर्सन, इतने बड़े फर्म को लेकर बैठे हुए लोग, अगर ये क्रिप्टो करेंसी के साथ में अपने व्यापार को कर रहे हैं तो हमें भी जानना समझना स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। फिर बात करें साथियों हिंदुस्तान में क्या परिदृश्य, हिंदुस्तान में लगभग 14 से 18 बैंक समथिंग लाइव, फिजिकल लाइव हो चुके हैं, जहां पर कि आप जाकर क्रिप्टो करेंसी के साथ में लेन देन कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ये कुछ एड्रेसेस हैं जहां पर कि फिजिकल बैंक स्थापित हो चुके हैं। अब बात करें साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी हमने समझा क्रिप्टो करेंसी को, अब हम समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। साथियों अगर आज हम बात करें लगभग 12,000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, तो सभी क्रिप्टो करेंसी किसी ना किसी ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है। और इसको आसानी से समझे, जैसे कि हमने रेलवे तंत्र देखा है, समस्त प्रकार की रेलें हैं वो किसी पटरी के ऊपर रन करती हैं, तो उसी तरीके से एक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम है डाटा को सहेज के रखना पब्लिकली, और जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई डाटा अगर सहेज दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने की गुंजाइश नहीं हो सकती है। आज आप समझिए 6 रुपए की एक बिटकॉइन आज 50 लाख रुपए की है, यानी कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है फोर्स आज का, वो काम करता है बीएससी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर। अब बाइनेंस क्या है, बाइनेंस दुनिया का नंबर वन क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पर कि आप डिफरेंट डिफरेंट करेंसी को बाय सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज की डिग्री, खास सब्सिडी, वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार, ये हमारी गवर्नमेंट कहती है। क्यों? क्योंकि साथियों गवर्नमेंट जो भी कोई मदद भेजती है, एक निम्न स्तर के व्यक्ति तक जो मदद भेजती है साथियों, वो मदद को वहां तक पहुंचने में बहुत सारे चैनल के माध्यम से गुजरना पड़ता है, और वो चैनल जो बीच में होते हैं, वो चैनल उस मदद को बीच में उसके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, और देखा भी हमने। तो साथियों ऐसा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट अपने जितने भी संस्थान हैं उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रही है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कॉलेज की डिग्री। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर भी संभावना है किसी के भी मार्क्स कुछ ऊपर नीचे किया जा सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ किया जा सकता है। तो इस प्रकार की प्लानिंग हमारी गवर्नमेंट की भी चल रही है कि ब्लॉकचेन के साथ में सभी, और आज अगर हम बात करें दुबई जैसी कंट्री की बात करें, तो दुबई कंट्री के अंदर सभी प्रकार की चीजें आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, चाहे वो रेलवे तंत्र हो, चाहे वो हमारा बिजली विभाग हो, सभी प्रकार के जो तंत्र हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में काम करते हैं। इतने सारे ब्रांड आप देख रहे हैं, सभी ब्रांड 50+ ब्रांड है ये, और ये सारे ब्रांड साथियों अपने व्यापार के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाए हुए हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में काम करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों
फोर्स आज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% डिसेंट्रलाइज। परंतु आज हमारे सामने दो तरीके के सिस्टम सामने आते हैं, पहला है सेंट्रलाइज और दूसरा है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में सबसे पहले हमें फर्क समझना होगा, क्या फर्क है साथियों। एक एमडी होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, एक मानव बीच में बैठा हुआ है। ये किसी तंत्र को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीजों का एक कर्ताधर्ता होता है और इन्हीं संस्थान के अंदर आप और हम काम करते हैं साथियों। यहाँ पर संभावना होती है क्योंकि ये बीच में बैठा हुआ पर्टिकुलर व्यक्ति आपके सपनों के साथ में कभी भी खिलवाड़ कर सकता है, कभी भी उस प्रोजेक्ट को बंद कर सकता है, कभी भी अपने अनुसार उसको मोल्ड फोल्ड कर सकता है और कभी भी आपको सिस्टम से बाहर कर सकता है, कभी भी आपका मेहनताना रोक सकता है। ये संभावना है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। परंतु बात करें साथियों डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपने आप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और आप समझिए कहां पर आपकी लाइफ सेट हो सकती है, कहां पर आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। अभी जब लॉकडाउन का दौर आया था उस समय में जिनके प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज सिस्टम थे, सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते थे, आप सभी को पता होगा बहुत सारे लोगों की इनकम रुक गई थी। क्यों रुक गई थी? कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करते थे। परंतु साथियों दूसरी ओर देखा जाए वो लोग जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम या जिनका सिस्टम इंटरनेट आधारित था साथियों, उनकी इनकम बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। और यही मैं स्वरूप की बात करूं कि जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय बिटकॉइन की प्राइस समथिंग 4.5 लाख समथिंग थी और अभी अगर देखा जाए तो 50 लाख है। यानी कि लॉकडाउन का भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के ऊपर। तो साथियों इसलिए हमें प्रोजेक्ट को समझना चाहिए। सैल्यूट और धन्यवाद करता हूँ मिस्टर लाडो, एक ऐसे पर्सन है जिस व्यक्ति ने आम व्यक्ति को खास व्यक्ति बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से आप इसको करते हैं। तो फोर्स आज के क्रिएटर है मिस्टर लाडो। प्रोफाइल की बात करें साथियों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 13 साल सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में रहे हैं, कार्यरत रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट में 13 साल सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो मास्टर। अब बात करें साथियों इन्होंने बनाया क्या है, इन्होंने बनाया इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यानी कि एक ऐसा समूह बना दिया इन्होंने कि जो भी व्यक्ति अपने आप को आगे ग्रो करना चाहता है तो इस कम्युनिटी में आके प्रवेश करे, इस कम्युनिटी को स्वीकार करे और इस कम्युनिटी के साथ में काम करके अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। फोर्स आज की विशेषताएं और समझ लेते हैं। जीरो ह्यूमन फैक्टर, फोर्स आज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ब्लॉकचेन के ऊपर है तो यहाँ पर कोई भी मानव का कंट्रोल नहीं है, पॉलिसी इसकी बदली नहीं जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें साथियों, आज अगर हम बहुत सारे प्रोजेक्टों की बात करें कि उनका टर्नओवर हम चेक नहीं कर सकते, किसी लीडर की आईडी ओपन करके नहीं देख सकते, किसी का पेआउट चेक नहीं कर सकते, परंतु फोर्स आज की बात करें साथियों, फोर्स आज में मिस्टर लाडो से लेकर जिनका भी आपको स्ट्रक्चर चेक करना है, जिनका भी डेटा ज्वाइनिंग चेक करना है, जिनकी भी आईडी चेक करना है, जितनी टीम चेक करना है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। फोर्स आज के अंदर इतनी ही पारदर्शिता है। P2P सिस्टम के माध्यम से आपको आपकी आमदनी मिल जाती है। विदिन सेकंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के साथ में हम लोग कार्य करते हैं। अब फोर्स आज में कार्य करने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, फोर्स आज अलग अलग तीन प्रोजेक्ट पे काम करता है। फोर्स आज इथीरियम पे काम करता है, ट्रॉन पे काम करता है और USD पे काम करता है। अब ये तीन प्रोजेक्ट क्यों लाए गए इसके पीछे की भी आपको वजह बता देता हूं मैं। सर्वप्रथम इथीरियम के ऊपर काम किया जिस समय इथीरियम की कॉस्ट बहुत कम थी। जब इथीरियम की कॉस्ट बढ़ गई 3 लाख के आसपास में आ गए तो जाहिर सी बात है कि ट्रांजेक्शन फी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने फिर एक अल्टरनेटिव ढूंढा कि कुछ ऐसा लेकर आया जाए कि जिसकी कॉस्ट बहुत तेजी से घटती ना हो, बहुत तेजी से बढ़ती ना हो। मार्केट में मिला ट्रॉन। ट्रॉन के साथ में भी ये रहा 2-3 रुपए का क्वाइन, 10-12 रुपए के आसपास में चला गया। यानी कि यहाँ भी वही चैलेंज फेस करना पड़ा कि क्वाइन का रेट बढ़ा, ट्रांजेक्शन फी बढ़ गई, फिर से एक अल्टरनेटिव खोजना पड़ा, खोज कर लेकर आए ऐसा अल्टरनेटिव जिसका नाम है BUSD। BUSD बाइनेंस और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाया गया डॉलर के लिए एक टोकन है।
और साथियों इसको अप्रूवल किसने दिया है, इसको अप्रूवल दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल न्यूयॉर्क के द्वारा, इसको अप्रूवल दिया गया है। अब साथियों हमें फूरसाज में कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है BUSD की, तो 1 BUSD बराबर 1 USD, 1 BUSD बराबर 1 USD, यानी कि $1 की वैल्यू USD दोनों समान होती है। फूरसाज में काम करने के लिए आपको सर्वप्रथम कुछ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की आवश्यकता होती है, जिसमें कि ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, आप लैपटॉप यूजर हैं तो मेटामास्क। आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड करने को मिल जाते हैं, आपको डाउनलोड करना है। और आप चाहें तो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज बाइनेंस है, बजीरिक्स है, पोलोनिक्स, बिट्रेक, बहुत सारे एक्सचेंज हैं, वहाँ पे आप एक्सचेंज पे KYC करके खुद से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, BUSD खरीद सकते हैं, खुद से ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट के अंदर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जो अमाउंट लगने वाला है वो अमाउंट लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी 10 USD प्लस साथ में कुछ गैस फी के रूप में BNB, ट्रांजेक्शन फी के रूप में BNB की आवश्यकता होती है। और INR की बात करें तो लगभग 1100 से 1200 रुपए के समथिंग का INR आप अगर अपने वॉलेट में रखते हैं तो बिल्कुल सफिशिएंट माना जाएगा। अब यहाँ पर जो 10 USD से आप शुरुआत कर रहे हैं, वो 10 USD में क्या मिलेगा आपको, 10 USD में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी नंबर वन है X3, अपॉर्चुनिटी नंबर वन X3 और अपॉर्चुनिटी नंबर टू X4। अब ये जो 10 USD है, ये 10 USD दोनों अपॉर्चुनिटी के अंदर 5 USD चला जाता है एक्टिवेशन के लिए, दोनों बाय डिफॉल्ट एक साथ में एक्टिवेट करने होते हैं, एक साथ में एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये X3 और X4 क्या है, X3 और X4 की बात करें साथियों, X3 के अंदर 12 लेवल हैं, 12 सीढ़ियां हैं। हर एक व्यक्ति प्रमोशन चाहता है अपनी जिंदगी में, हर एक व्यक्ति, एक ही जगह कोई भी नहीं रहना चाहता। तो इसी तरीके से यहाँ पर 5 BUSD का पहला लेवल है, दूसरा लेवल 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 9000, 900 BUSD का 12वां स्लॉट है। साथियों इसी प्रकार से X4 की बात करें, 5 BUSD, 10 BUSD, 20, 40, 80, 160, 320, 640 और 9900 BUSD का 12वां लेवल है। अब यहाँ पर कंडीशन नाम की कोई चीज नहीं है, आप जितने लेवल बाय करना चाहते हैं उतने लेवल बाय कर सकते हैं। और जहां पर बात आती है बिजनेस की साथियों, बिजनेस सिंपल सी बात है, बड़ा लगेगा बड़ा कमाएंगे, छोटा लगाएंगे छोटा कमाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों। अब X3 का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, आप X3 में अर्निंग कैसे करेंगे, अब वो समय है यहाँ पर आपको कि आप कमाएंगे कैसे। X3 जो है वो 100% वर्किंग प्लान है, यहाँ पर आप वर्किंग करके पैसे कमाएंगे। यहाँ पर आप हैं, लेवल वन है ये आपका, यानी कि X3 है सिंगल लेवल का, यानी कि यहाँ पर आपके डायरेक्ट से पैसा आता है। और यहाँ पर है यू, यहाँ पर आप आते हैं। अब आपने इस जूम एप्लीकेशन पे जो प्रेजेंटेशन हो रहा है इसको सुना, आपको समझ में आया, आपको आपके सवालों के जवाब मिले, आपने ज्वाइन कर लिया। अब सेम तरीके से डुप्लीकेट आपको करना है, अपने लोगों को जूम पर लेकर आना है। जब जूम पर आएंगे उनको ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा, उनके क्वेश्चन के आंसर आप और अपने सीनियर मिलकर देंगे, वो व्यक्ति ज्वाइन करेंगे आपके साथ में, वो कहलाएगा आपके लिए पार्टनर नंबर वन, ये होंगे आपके नंबर वन पार्टनर, पहला पार्टनर 100% X3 का आपको आ जाएगा बिजनेस सेकंड पलक झपकते ही। पार्टनर नंबर टू सेम तरीके से दूसरा व्यक्ति जो ऊपर लेकर आते हैं, उनको प्रोजेक्ट समझ में आता है, उनके सवालों के जवाब आप देते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो आपके साथ में ज्वाइन करते हैं, तो पार्टनर नंबर टू से आता है आपको 100% X3 से। फिर आता है इसी तरीके से सेम तरीके से तीसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति का 100% ये चला जाता है आपके अपलाइन को, आपके स्लॉट को री इन्वेस्टमेंट रिसाइकल करते हुए चला जाता है आपके अपलाइन को। इसी तरीके से चौथा आएगा तो 100% आपको आएगा, पांचवा आएगा तो 100% आपको आएगा, और छठवा आएगा तो आपके स्लॉट को री इन्वेस्टमेंट रिसाइकल करते हुए चला जाता है आपके अपलाइन को। इसी तरीके से निरंतर बार बार आप X3 को रिसाइकल करके आप अनलिमिटेड बार इनकम जनरेट कर सकते हैं। 100% वर्किंग प्लान है। इसके बाद चलते हैं साथियों, हम समझते हैं हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट जो कि है 2 लेवल का, ये यू, यहाँ पर आप हैं, ये लेवल वन है और ये लेवल टू है। लेवल टू में 4 लोग हैं, लेवल वन में 2 लोग हैं, 2 2 के 4। यहाँ पर आपकी वर्किंग से और आपकी टीम की वर्किंग से
और आपके अपलाइन की वर्किंग से भी इनकम आने की संभावना बनती है, क्योंकि हमारे पास से जाता है तो हमारे पास आ भी सकता है। साथियों, पहला व्यक्ति आपको नहीं आएगा, ये हमारे पास से जा रहा है कहीं पर, कहाँ जाएगा, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं भी जा सकता है। दूसरा व्यक्ति, ये दूसरे व्यक्ति का भी 100% X4 का कहीं भी जा सकता है। अब कहीं पर जा रहा है तो हमें कहीं से आने की संभावना भी है, कब आएगा कोई निश्चित नहीं है, डेट डिसाइड नहीं है। साथियों, तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरे व्यक्ति का फिर 100% विद इन सेकंड प्लग झपकते आपको आ जाता है। चौथे व्यक्ति का 100% आपको आ जाता है, पांचवे व्यक्ति का 100% आपको आ जाता है, छठवा व्यक्ति आपके स्लॉट को रीइन्वेस्टमेंट रिसाइकल करता है और ये भी कहीं भी चला जाता है, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं भी जा सकता है। तो तीन लोगों का X4 में आपको आता है, तीन लोगों का अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं चला जाएगा और कहीं से आ भी सकता है। अनलिमिटेड वार, इसको भी रिसाइकल करके आप अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। एक स्लाइड के अंदर देखते हैं X3 X4 किस प्रकार से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट X3 X4 आपने एक्टिवेट किए हैं, तो हर एक व्यक्ति आपके दोनों स्लॉट में दिखेगा किस प्रकार से। X3 का 100% पहला व्यक्ति आपको देगा, X3 100%, X4 से आपको नहीं आएगा, ये अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं भी जाएगा। दूसरा व्यक्ति X3 से 100% आपको इनकम देता है, परंतु X4 का 100% ये आपको नहीं आता है, ये अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं भी चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति X3 के स्लॉट को करता है रीइन्वेस्टमेंट रिसाइकल, परंतु यही तीसरा व्यक्ति आपको देता है X4 से 100%। कितनी जबरदस्त बात है। फिर आता है चौथा व्यक्ति, X3 से भी 100%, X4 से भी 100% इनकम आती है। फिर आता है हमारा पांचवा व्यक्ति, X3 से भी 100%, X4 से भी 100% इनकम हमें आ जाती है। फिर आता है हमारा छठवा व्यक्ति, X3 को भी रिसाइकल कर देता है और X4 को भी रिसाइकल कर देता है। और साथियों, इस तरीके से ये बार बार रिसाइकल करके आप यहाँ पर X3 X4 से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये था X3 और X4 सिंगल लेवल और लेवल 2। अब आता है साथियों हमारा तीसरा प्रोजेक्ट, जबरदस्त शानदार प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं XXX XXX। साथियों, पहला स्लॉट, पहली सीढ़ी, पहला लेवल 8 BUSD का है, 15 है, 29 है, 57 है, 111, 211, 411, 799, 9696 BUSD का 12वां लेवल है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कितने लेवल बाय करने हैं, एक साथ में सब बाय कर सकते हैं या थोड़े थोड़े करके बाय कर सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हैं, कोई कंडीशन बाउंडेशन नाम की चीज नहीं है फोर्स में। साथियों, कैसे इनकम आती है यहाँ पर, इनकम जनरेट किस प्रकार से होगी हमारी, अब यहाँ पर हम समझते हैं इनकम कैसे आएगी। यहाँ पर है यू, आप हैं। अब ये पहला लेवल जो है हमारा लेवल वन, हमारा ये लेवल वन है ए और बी। साथियों, ए और बी की इनकम 100% इनकम 70-30 के रेशियो में चली जाती है, ये अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं भी जा सकती है। दो लोगों का 100% 30-70 के रेशियो में ये कहीं भी चला जाता है। अब बात करें यहाँ पर आता है लेवल टू में चार लोग हैं, परंतु चार लोगों में से तीन लोगों से आता है आपको स्लॉट की वैल्यू का 30% स्लॉट की वैल्यू का। इसके बाद में आता है हमारा लेवल थ्री में है 8 लोग, परंतु 8 लोगों में से 7 लोगों से आता है आपको स्लॉट की वैल्यू का 70% बिजनेस सेकंड प्लग झपकते ही। फिर इसके बाद में आप समझिए कि जो 2 लोगों का यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड था, ये 2 लोगों का 100% मिलकर आपके स्लॉट को रीइन्वेस्टमेंट करता है और 70-30 के रेशियो में ये फिर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं भी जा सकता है। इस तरीके से ये बार बार रिसाइकल होकर आपको इनकम जनरेट कराएगा। तो साथियों, पहले जो ए और बी हैं वो X3 से भी पैसा नहीं दे रहे हैं, X4 से भी नहीं दे रहे हैं, परंतु नीचे से आपको इनकम जनरेट होती है। ये था हमारा XXX का मैकेनिज्म, सेम तरीके से 12 स्लॉट इसी तरीके से काम करेंगे। चलते हैं अगला, यहाँ पर आता है हमारा एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट। कितनी अद्भुत बात है, फोर्स आज ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर 4 प्रोजेक्ट ऐड किए हैं, आपको जो उचित लगे उस प्रोजेक्ट पे काम करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा X Gold। तो पहला लेवल जो है वो है 10 BUSD का, 20 का, 30 का, 50 का, 80 का, इस प्रकार से इसके अंदर है 15 स्लॉट, 15 लेवल, 15 लेवल का प्रोजेक्ट है। तो साथियों, इसको हम समझते हैं, इसके मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म क्या है इसका,
ये 15 लेवल आप अपनी सुविधा अनुसार खरीद सकते हैं। यहां पर है आप यू। अब साथियों ये आता है लेवल वन। लेवल वन में ए और बी ये कहीं से आ सकते हैं और ये दो लोगों की इनकम आपको नहीं आएगी। ये 20, 30 और 50 के रेशियो में अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं भी जा सकती है। 50, 30 और 20 के रेशियो में ये चली जाएगी आपके पास से। ए और बी से आपको इनकम नहीं आती है। अब आता है हमारा लेवल टू। लेवल टू में चार लोग हैं। इन चार लोगों से स्लॉट की वैल्यू का 20% बिजनेस सेकंड पलक झपकते आपको आ जाता है आपके वॉलेट में। इसके बाद आता है लेवल थ्री। लेवल थ्री में है 8 लोग और 8 लोगों से स्लॉट की वैल्यू का 30%, स्लॉट की वैल्यू का 30% ये आपको आ जाएगा। फिर आता है हमारा लेवल फोर। ये 4 लेवल का प्रोजेक्ट है। लेवल फोर में है 16 लोग, परंतु 16 लोगों से नहीं, 14 लोगों से आता है आपको स्लॉट की वैल्यू का 50% लेवल फोर से। तो इस प्रकार से हमारा एक्स गोल्ड काम करता है। पहले लेवल से नहीं आता है, दूसरे लेवल से 30% स्लॉट की वैल्यू का, तीसरे लेवल से 20-30% और चौथे लेवल से 50%। इस प्रकार से इनकम आपको जनरेट हो सकती है। ये आपकी वर्किंग से, आपके अपलाइन की वर्किंग से, क्रॉस लाइन की वर्किंग से कहीं से भी ये लोग आ सकते हैं और कहीं पे भी ये जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा एक्स गोल्ड काम करता है। अब ये जो 2 लोग बचे हैं, ये 2 लोगों का 100% 50-50 करके 100% ये स्लॉट को रीइन्वेस्टमेंट रिसाइकल करेगा और 50, 30 और 20 के रेशियो में ये फिर चला जाएगा। फिर से आपका स्लॉट खाली हो गया, फिर से भरेगा, फिर से इनकम करेंगे, यानी कि अनलिमिटेड बार रिसाइकल करके आप यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करें साथियों कंडीशन, ये भी जान लेते हैं। कंडीशन सिंपल छोटी सी है। आपने लेवल वन से शुरुआत किया, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, इस प्रकार से आपने शुरुआत किया और आप पहुंच गए किसी भी लेवल पे। यहाँ पर एग्जांपल के लिए 8वां लेवल है। 8वें लेवल में पहले व्यक्ति से इनकम ले लिया आपने, दूसरे व्यक्ति से ले लिया, तीसरे व्यक्ति ने आपके स्लॉट को रिसाइकल कर दिया, रीइन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी कंडीशन ये कहती है साथियों आपको अगर दोबारा इस स्लॉट की इनकम चाहिए, 8वें लेवल की इनकम चाहिए, तो कंडीशन ये कहती है 90 स्लॉट को बाय कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने स्लॉट की वैल्यू की डबल प्रिंसिपल, ये 2 लोगों से डबल इनकम तो ऑलरेडी आपने जनरेट कर ली है। अब आपको ऐसा नहीं करेंगे तो इस स्लॉट की इनकम नहीं मिलेगी, बाकी का 7वां, 6वां, 5वां, पहला, दूसरा, ये सबसे इनकम आपको जनरेट होती रहेगी। ये छोटी सी कंडीशन है, इसका अगर आप चाहें आगे प्रमोशन लेना तो पालन कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों ऑफिशियल है, यहाँ पर एक रिकमेंडेशन है कि कितने स्लॉट से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो शुरुआत करने के लिए साथियों यहाँ पर X3 है, ये X3 में 3 स्लॉट 5, 10 और 20 USD का, X4 में 3 स्लॉट 5, 10 और 20 USD का, XXX में 3 स्लॉट 8, 15 और 29 USD का, एक्स गोल्ड में 3 स्लॉट 10, 20 और 30 USD का। अगर हम टोटल कैलकुलेशन देखें इनका, तो टोटल कैलकुलेशन निकल के आता है साथियों लगभग लगभग $200, यानी कि समथिंग INR की बात करें, लगभग लगभग 16,000 रुपए से आप 3-3 स्लॉट चारों प्रोजेक्ट के अंदर बाय करके अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। परंतु साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग शायद सक्षम ना हो, कोई बात नहीं मेरे साथी, आप 2-2 स्लॉट भी अगर आप यहां पर बाय करते हैं चारों प्रोजेक्ट के अंदर, लगभग 7,500 के आसपास में ये फंड आपको लगेगा। 7,500 से आप 2-2 स्लॉट बाय करके आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। परंतु बहुत सारे साथी अगर इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है, उनके पास में व्यवस्था नहीं है, तो साथियों वो सिंगल स्लॉट चारों प्रोजेक्ट के अंदर बाय करके INR की बात करें, लगभग 3,200 रुपए से ये सफिशेंट फंड डाल के USD और BNB आप अपने सपनों की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे सहयोगी पार्टनर बिल्कुल भी उनके पास में व्यवस्था नहीं है, आप 3 स्लॉट भी बाय करेंगे तो लगभग 2500 रुपए की आपको आवश्यकता होगी। और बहुत सारे लोगों के पास और भी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं, पड़ोसी से, दोस्त से मात्र 1200 रुपए से शुरुआत करके आप अपनी अच्छी खासी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। चाहत अगर आपकी है तो रास्ते ये हैं 4-7 के अंदर एंट्री करने की, बाकी का बहाने से तो कुछ होना ही नहीं है। साथियों रिकमेंडेशन बहुत अच्छी यहाँ पर और भी है। अगर आप X3 और X4 में 5-5 स्लॉट बाय करके आते हैं और
मात्र 12 लोगों को भी अगर यही डुप्लीकेट करा देते हैं, 12 लोग आपके साथ में पांच पांच स्लॉट से अगर एंट्री कर जाते हैं सेम तरीके से, तो $2170 की इनकम होती है। INR की बात करें तो 1,73,000 रुपए की इनकम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर अनुसार की जा सकती है। ये एक रोड मैप है, इसको आप यहाँ पर करें या ना करें आपकी मर्जी। साथियों आज बात करें हम यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए जो INR की अवस्था हमारे पास में INR है, हमें USD और BNB की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल एक्सचेंज है, वजीरिक्स है, बाइनेंस है, बहुत सारे और भी एक्सचेंज हैं, जेपे हैं, किसी भी एक्सचेंज पे अपनी KYC वेरीफाई कर लेना है आपको। KYC वेरीफाई करने के बाद आप INR से USD BNB बाय करके ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, जो भी वॉलेट का आप यूज करते हैं वहां पर शिफ्ट करना है आपको, और वहां से जो कमाएंगे आपको चाहिए INR, तो हिंदुस्तान में वजीरिक्स है, वजीरिक्स आपको आपके अकाउंट में INR की सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो साथियों इस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को समझा और हम यहाँ पर अब चलते हैं डिसीजन की ओर, क्योंकि साथियों हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते हैं, समय के अनुसार अपडेट नहीं होते हैं, तो क्या लगता है हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार की जिंदगी में कभी कोई परिवर्तन हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। हम जिस भी एज में हैं अभी तक जो हम हैं वो हमारे पिछले कामों का नतीजा है, और अगर हम वही काम फिर से पुनः बार बार करते रहे तो नतीजा वही होगा जो अभी तक हमारे पास में आया है। तो आपके सामने अभी दो रास्ते हैं मेरे साथियों, एक रास्ता लेकर जाता है आपको सक्सेस की ओर और दूसरा रास्ता लेकर जाता है आपको फेलियर की ओर। रास्ता आपको चुनना है, डिसीजन आपका है, सपने आपके हैं, परिवार आपका है, पूरे आपको करने हैं, डिसीजन आपको लेना होगा। थैंक यू वेरी मच साथियों, यहाँ पर मैं अगले चरण के लिए इनवाइट करता हूँ, हमारे बीच में हैं हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर राजेंद्र सिंह सर। सर आपका वेलकम है। जी मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल जी सर। चलिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र साकिया सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने समझाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, X3, X4, XXX गोल्ड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जितने भी लोग यहाँ पे मेरे दोस्त, मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा अभी मीटिंग से बिल्कुल आपको नहीं चूकना है, केवल 10 मिनट मैक्सिमम आप मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू करूंगा। 10 मिनट के बाद मीटिंग से आप जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले कोई भी इंसान मीटिंग को छोड़ के ना जाए, अदरवाइज आपने जितना भी टाइम दिया आज इस मीटिंग के अंदर, आपके इस मीटिंग में आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए एक बार सब लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वेबिनार के अंदर, एंड आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ टीम ग्लोबल की तरफ से। मेरे दोस्त जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सब लोगों को बताना चाहूंगा जो भी चीजें आपने देखा है, जितनी भी चीजें आपने देखा है, मुझे पता है कि हर एक चीज को बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, हर एक चीज को बहुत अच्छे से महेंद्र साकिया सर ने समझाने की कोशिश करी है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, 2021 के अंदर आपने क्या किया है मुझे नहीं पता, 2020 के अंदर आपने क्या किया है मुझे नहीं पता, लेकिन 2022 में आप टीम ग्लोबल के साथ एसोसिएटेड होके, आप फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड होके, हम सब लोग मिलके इस टीम को और आपने आप को भी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। आप सारे लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्त हर एक इंसान, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, किसी भी कंपनी के अंदर आप चाहे काम कर रहे हो चाहे मैं काम करूं, हम सबका अल्टीमेटम गोल है पैसे कमाना। किसी भी कंपनी का ना तो हम है ना ही उसका, वो कंपनी हमारा है। किसी भी कंपनी के अंदर अपन जाते हैं तो किसी कंपनी के अंदर अपन प्रोडक्ट नहीं देख के जाते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वहां के लोगों का इनकम देख के जाते हैं। और हर एक इंसान यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान उन्हीं की जैसा इनकम भी करना चाहता है। विडंबना यह है कि हम लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, काम भी बहुत करते हैं, लेकिन कई बार हम जो इनकम करना चाहते हैं वो इनकम हम लोग नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्त फोर्सेस ही हम क्यों करें, जब भी कभी किसी कंपनी के अंदर अपन जाते हैं सबसे पहला एक डर होता है कि यार ये कंपनी का प्लान ना बदल जाए, डर होता है ये कंपनी बंद ना हो जाए, डर रहता है ये कंपनी भाग ना जाए। आज फोर्सेज एक दुनिया का इकलौता सिस्टम बन पाया है जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करा है, अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस करा है। मेरे दोस्त मतलब ये कि इकलौता सिस्टम जिसपे आप ये बोल सकते हैं कि ना तो कभी बंद होने वाला है, ना कभी भागने वाला है, और ना ही कभी इसका शटर बंद होने वाला है। हम लोग जब काम करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम अगर 1,00,000 का टर्नओवर देंगे तो 1,00,000 का टर्नओवर देने के बाद हम शायद उस सिस्टम के अंदर रह के 50,000, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए या फिर 60,000 रुपए, 70,000 रुपए कमा जाएंगे, लेकिन हम वो सारी चीजें नहीं कर पाते।
फोर्सेस दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है मेरे दोस्त। और उसका रिजल्ट क्या होता है आप यहाँ पे देखें, सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी। क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेरे दोस्त। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी, ना केवल हमारी इंडस्ट्री, दुनिया का कोई भी इंडस्ट्री अगर ब्लॉकचेन के अंदर है, कोई भी इंडस्ट्री अगर ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है, उससे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, देन यू कैन ट्रांजेक्ट, यू कैन यू नो वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई, एक एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है, एक एक ट्रांजेक्शन को देखा जा सकता है। आप बोलो सर कैसे देखा जा सकता है, मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। कंपनियों के अंदर हमने बहुत काम किए हैं, कंपनियों के अंदर हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, हमारी अप्लाइनों ने बोला मैं इतना कमाया, मैं उतना कमाया, लेकिन कभी आईडी खोल के उनका नहीं देखे। बीओएस मैं यहाँ पे फोर्सेस का आपको आईडी खोल के दिखाता हूँ, bosg.forces.io मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, हमारी आईडी को अगर ओपन करके देखेंगे तो पहली आईडी है और यहाँ पे आप देखिए $1,14,584 की अर्निंग है मेरे दोस्त। आज जो अर्निंग आया है $135, अप्रोक्सीमेट ₹10,000 की अर्निंग आया हुआ है INR के अंदर। टीम साइज देखेंगे 26,536 लोगों की टीम है। इनकम आप देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ₹1 करोड़ की इनकम है मेरे दोस्त। दूसरी आईडी है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं पहले ही बोला कि यहाँ पे हर एक चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। $58,418 करीब करीब ₹52 लाख की अर्निंग है मेरे दोस्त। और यहाँ पे हर एक चीज स्टैटिक्स में जाके आप यहाँ पे सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक देख सकते हैं कि हमने ज्वाइन कब किया था इस इंडस्ट्री के अंदर। आप मुझे बताओ कौन सा सिस्टम ऐसा है, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी, कौन सी कंपनी ऐसी है जहां पे आप किसी की आईडी ओपन करके देख सकते हैं, वो भी बिना पासवर्ड का। मेरे दो इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम मार्केट के अंदर आपको मुझे नहीं लगता कि और कुछ मिलेगा। ये तो हमारा है। आप बोलो सर आपने तो कमाए क्यों फोर्सेस, देखो आपके जैसे हमने भी किसी ने किसी कंपनी के अंदर काम किया था, लेकिन हम फोर्सेस को क्यों बिलीव करते हैं, फोर्सेस को क्यों काम करते हैं, फोर्सेस के अंदर ही हम क्यों रहते हैं और फोर्सेस को हम क्यों प्रमोट करते हैं। हमने बस नहीं कमाया, आज हमारी टीम के अंदर आप देखें $58,781 अप्रोक्सीमेट ₹52,53 लाख की अर्निंग। एक नहीं, यहाँ पे कई आईडी आप ओपन करके देख सकते हैं। एक आईडी और ओपन करके दिखाता हूँ, $23,15,11,732 मतलब इंडियन रुपीज में ₹10 लाख है, राइट। ऐसे कितने सारी आईडीज हैं जो आप ओपन करके देख सकते हैं 12/97/14/12 के अंदर 6,290 करीब करीब ₹5 लाख। और ये कितने दिन के अंदर हुआ है, अगर आप इस पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊं, ये पिछले 5 से 6 महीने के अंदर हुआ है, 1 जून से लेके अभी तक की अर्निंग है मेरे दोस्त। एक दो नहीं, ऐसे 2000 से ज्यादा लोग हैं हमारी टीम के अंदर जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करी है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगा, एक बार जरा हैंड रेज करके बताएं जिन लोगों ने 5 लाख रुपए तक की अर्निंग करी है, 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की अर्निंग की है, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी हमारे नए दोस्तों को आप एक बार दिखाएं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की अर्निंग करी है, जल्दी से एक बार हैंड रेज करके बता दें मेरे दोस्त। यहाँ पे आप देखें ये जनसंख्या बहुत कम है, बहुत सारे लोग हैं जो लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से हमसे कनेक्ट किए हैं, लेकिन जितने लोग हैं आप उनमें से देखें, ये वो हमारे लीडर्स हैं, हमारी वो शेर हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की अर्निंग किए है 1 जून से लेके अभी तक में। मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की अर्निंग की है, एक बार हैंड रेज करके जल्दी से बता दें। और आप यहाँ पे देखें ये जनसंख्या है मेरे दोस्त, ये लोग हैं जिन्होंने अर्निंग किए है और ना केवल खुद किए है, अपनी टीम के अंदर भी लोगों को करवाया है और कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हर दिन करवा रहे हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे क्या तरीका है अर्निंग करने का और कैसे इन लोगों ने अर्न किया है, बहुत सिंपल तरीका है। 2 चीजें आपको करनी है। फोर्सेस के अंदर तो नो डाउट आप आएंगे ही आएंगे, आज नहीं आएंगे तो बाद में आएंगे, आपकी मजबूरी होगी, आना ही पड़ेगा। अगर आप इफ यू बिलीव दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग देन यू हैव टू कम, आपको आना ही पड़ेगा। और जब भी आएंगे आप 2 चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि महेंद्र साकेत सर ने जो बताया है कि आप ज्वाइन करने के लिए तो ₹1,200 के साथ भी कर सकते हैं, 3 स्लॉट के साथ भी कर सकते हैं, 5 स्लॉट के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप सच में कमाने के मूड से आ रहे हैं, कम से कम 5 स्लॉट के साथ आप स्टार्ट करें, कम से कम 5 स्लॉट के साथ आप स्टार्ट करें। छोटा स्लॉट छोटा इनकम, बड़ा स्लॉट बड़ा इनकम। दूसरा, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर पे काम करें।
एक भी ऐसी आईडी नहीं मिलेगी, एक भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने सिंगल स्लॉट से काम करा स्टार्ट करा हो, डबल स्लॉट से काम स्टार्ट करा हो और लाखों रुपए की अर्निंग कर ली हो। जिन्होंने भी काम स्टार्ट करा और जो भी आज लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, सबने पांच पांच छह छह सात सात स्लॉट से स्टार्ट करा है मेरे दोस्त। यहाँ पे हमारे बहुत सारे एग्जिस्टिंग लीडर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे सिंगल स्लॉट ले रखा होगा। मैं आपको भी बोलूंगा, सबसे पहले अपने स्लॉट्स को अपग्रेड करें अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं। जब तक आपके चार से पांच छह स्लॉट नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पे बड़ी अर्निंग नहीं ले पाएंगे। चलिए, बहुत बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, दो से तीन मिनट बचा हुआ है। बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, अगले दो से तीन मिनट और टाइम चाहिए आपका। और मैं यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ हमारी टीम के सबसे सीनियर लीडर जिन्होंने सबसे जबरदस्त काम किया है, अच्छी अर्निंग भी करे हैं, मिस्टर ब्रजेश सिंह सर, स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह, रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले महन साक्या सर को बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। साथियों, ये रियल सच है कि यहाँ पर लोगों ने, जिन्होंने सिस्टम पर विश्वास किया है वो बहुत अच्छी अर्निंग किया है और काम करके ऐसा नहीं हुआ है साथियों उनके साथ है कि उनको तुक्के में सब काम इतनी ज़्यादा अर्निंग वो कर लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ काम ही किया है। तो आप भी काम करके यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा साथियों। जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने सिस्टम में विश्वास किया है वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। विश्वास आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ खोल कर दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, झूठा मोटिवेशन नहीं दिया जाता आप सबको। यहाँ पर ना कोई टाई बूट सूट पहन करके आपको एक ऐसा हो जाएगा वैसा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। जो कुछ है सब कुछ रियल है, सच्चाई है, 100% यहाँ पर सच्चाई है साथियों। हाँ, जिन्होंने विश्वास कर लिया सिस्टम में वो बहुत अच्छा कर गए, और जिनको आज भी विश्वास नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लीडर हैं ज्वाइन किए फिर सो गए चद्दर ओढ़ करके, उनके साथ कभी भला नहीं हो सकता साथियों। क्योंकि सपने आपके हैं, चाहत आपकी है, तो काम आपको ही करना पड़ेगा। और यदि आप थोड़ा सा काम करेंगे तो पूरी ग्लोबल टीम आपकी सपोर्ट के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए दिन रात अथक प्रयास करेगी। यदि आप थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहेंगे तो, यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है साथियों, तब फिर आपका भला कोई नहीं कर सकता है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चाहते हैं। थैंक यू सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ब्रजेश सिंह सर। बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर आप चाहते हैं तो ट्रस्ट में ग्लोबल टीम आपके साथ हमेशा खड़ा है। कैसे काम करना है, क्या करना है, ये सब बताने के लिए मैं कल सुबह आ रहा हूँ सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग का सब्जेक्ट लेके। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आपको समझ में आना है कि कैसे काम करना है, नहीं समझ में आ रहा कैसे काम करना है, आप कल सुबह की मीटिंग के अंदर आए 8 बजे। सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग कैसे काम करके आप बहुत बड़ी अर्निंग कर रहे हैं, कर पाएंगे, वो सब बताने के लिए। सो दीज वर थैंक यू सो वेरी मच। टाइम हमारा हो चला है, कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय।